नमस्कार। वैसे तो अमूमन होता क्या है कि जैसे ही टिकट की घोषणा होती है उसके बाद जो लोग दूसरों जिनके नाम नहीं आए होते वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, विरोध करते हैं और उनके समर्थक इस्तीफों की पेशकश करते हैं, इस्तीफे दे भी देते हैं। मगर अब एक खबर ऐसी भी निकल कर आ रही है जहां टिकट वितरण में जो देरी हो रही है उसको लेकर भी समर्थक नाराज़ दिखाई देते हैं, नेताजी भी नाराज़ दिखाई देते हैं और समर्थकों द्वारा इस्तीफों की पेशकश भी उससे पहले ही दिखाई दे रही है। जी हाँ, राजस्थान के इस चुनावी माहौल में एक घटनाक्रम ऐसा भी घटित हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है वो मैं आपको बताऊँ, मगर उससे पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि टिकट वितरण के बाद जो नाराज़गी देखी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे टिकट वितरित करती है अलग अलग क्षेत्र से उनके असंतुष्ट जो दावेदार थे उनकी नाराज़गी दिखाई देती है, विरोध दिखाई देता है। मगर गोगुंदा का जो घटनाक्रम है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी राहत ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि भाई साहब, हमारे यहाँ तो टिकट वितरण के बाद विरोध होता है, आपके यहाँ तो टिकट वितरण से पहले विरोध शुरू हो गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये गोगुंदा में घटित हुआ जहाँ पर यहाँ के पूर्व MLA और गत दो बार से प्रत्याशी मांगीलाल गरासिया, उनके समर्थक नाराज दिखे। उनका कहना था कि मांगीलाल गरासिया इस क्षेत्र के बड़े कद्दावर कांग्रेस नेता है और कांग्रेस ने अपनी 3 सूचियाँ जारी कर दी मगर उसके बावजूद अभी तक हमारे नेताजी का नाम नहीं आया। तो ये हमारे नेताजी का नाम नहीं आया इस कारण से लोग नाराज दिखे। और नाराजगी का आलम यह था कि न केवल उन्होंने वहाँ नारेबाजी की बल्कि इस्तीफों की पेशकश भी सुनने में आ रहा है कि की गई वहाँ पर। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा होगा, चलो ये तो हमारे यहाँ तो टिकट वितरण के बाद नाराजगी हो रही है, वहाँ तो पहले ही शुरू हो गई। और मांगीलाल गरासिया हालांकि उस क्षेत्र के कद्दावर चेहरे हैं, पूर्व में विधायक रहे हुए हैं, मगर गत 2 चुनाव वो वहाँ से हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रताप गमेती वहाँ से 2 चुनाव जीते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी बना दिया है। कांग्रेस ने अभी तक अपना चेहरा स्पष्ट नहीं किया और इसी चीज़ की वहाँ नाराजगी दिखी। वहाँ पर जब पर्यवेक्षक पहुँचे, प्रभारी पहुँचे, उनके सामने समर्थकों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। और जो ग्राउंड की बात है, चाहे वो राजसमंद और कुंभलगढ़ क्षेत्र को भी मैं इसमें शामिल करते हुए कहूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी टिकट वितरण में जो देरी हो रही है, जो एक असमंजस बना हुआ है अभी तक, कि कई बार बीच बीच में खबरें आती है कि लगभग फाइनल हो गया है, नाम आने वाला है, मगर उसके बाद सूची तो आती है मगर इन दोनों क्षेत्र से कांग्रेस के जो चेहरे हैं उनका नाम नहीं आता है। तो इसको लेकर भी एक नाराजगी दिखाई देती है। समर्थकों का कहना है कि अब हम वैसे ही काफ़ी देर हो रही है, अब समय पर चीज़ें आ जानी चाहिए। तो ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं ये भी अपने आप में मज़ेदार है कि कई जगह टिकट वितरण के बाद विरोध दिखता है, यहाँ टिकट वितरण से पहले ही नाराजगी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। तो गोगुंदा का ये घटनाक्रम भी अपने आप में अनोखा है, अपने आप में अनूठा है और राजस्थान की इस राजनीति के माहौल में ये चीज़ें भी इस पूरे राजनीतिक दंगल को मज़ेदार बनाती है। मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसी ही चीज़ें आप तक लेकर आऊँ, कुछ ऐसी ही खबरें आप तक लेकर आऊँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।